एग्जॉस्ट है 2009 का मॉडल एक्टिवा का, मतलब सोचो 3G और 2G से भी पहले का मॉडल है। काफी सारे लोग सोचेंगे कि मतलब 2009 का मॉडल है, थोड़ा बहुत इसने साइलेंसर में भी काम करवाया भाई ने जिसका आते हुए। और इस गाड़ी को मतलब टोटल 15 साल हो चुके हैं, जैसा पुराना इंजन है ठीक है, 15 साल पुराने इंजन में क्या कर रहा भाई, क्या कर रहा चाहिए वो मार रही, पर हुआ क्या, गाड़ी पीछे पीछे गई, उन्होंने रेस कम करी होगी तब आया। तो जिस टॉपिक में मैंने बात छेड़ दी ना, तो उसी टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, बाकी अब बात खत्म। फिर हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूं फिट होंगे, अपने घर पे सब ठीक होंगे। और आज के व्लॉग की शुरुआत फिर दोबारा अपनी राम प्यारी से। अभी का सीन ऐसा है कि अभी देखो मेरे को जाना है पहले यहाँ से बल्लूपुर से मेरे को मेरा दोस्त मिलेगा, उसके बाद हम लोगों को जाना है आगे। और आज वाले व्लॉग में आप लोगों ने मतलब देख ही लिया होगा थंबनेल में क्या क्या चीज़ है, वो भी सेम चीज़ है जो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था इस वाले व्लॉग में, जो कि आप लोगों ने देख लिया होगा। मतलब कि दो गाड़ी का कर था कंपेयर, थोड़े बहुत आप लोगों को उसमें ग्राफिक दिखाए थे। फिर दोबारा हम पे एक और गाड़ी है, और गाड़ी कौन सी है, एक्टिवा। तो आज एक्टिवा का करेंगे कंपेयर। 1 hour later तो जो मेरे साथ आ रहा था ना यहाँ से बल्लूपुर से, उसने दे दी एकदम गोली, सर दर्द की भी और वैसी हवा वाली गोली भी दे दी उसने। तो वो बंदा तो आ नहीं रहा है, तो यार पहले आप बोला मत करो यार, मतलब दूसरे बंदे का एक तो मूड बन जाता है कि चल यार थोड़ा साथ में ये बनाएंगे वो बनाएंगे, और उसके बाद फिर लास्ट टाइम पे मना कर दो, तो यार ठीक नहीं रहता यार। अब मैंने यहाँ से दूसरे बंदे को फ़ोन करा, अब मैंने कहा वीडियो बनानी है, तो जिस टॉपिक में मैंने बात छेड़ दी ना, तो उसी टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, बाकी अब बात ख़त्म। फिर तो मैंने यहाँ से दूसरे बंदे को फ़ोन करा, और दूसरा बंदा देखो एकदम तैयार, बोल रहा आ जा। अब बताओ मतलब ये होता है, अब अगर उसने वहाँ जाके बोल दिया कि मैं नहीं आ रहा, तो फिर तब थोड़ा मामला गर्मा गर्मी वाला हो जाएगा कहीं वहाँ पे, फिर अब रोड रेज हो जाए एकदम, हाथा भाई वाले ही सिचुएशन ना हो जाए एकदम। तो अभी देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है। फिलहाल तो अभी यहाँ से चलते हैं फटाफट दूसरे बंदे पे, जिसको मैंने दूसरे बंदे को फ़ोन करा। A few moments later. तो बाकी देखो हम लोग पहुंच चुके हैं फिर दोबारा लोकेशन पे, और जैसे मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि आज हम पे मतलब कि एक्टिवा है, तो दूसरी एक्टिवा भी होती है इसके बगल में जस्ट, अभी तो एंटोर के, पर यहाँ बीच में एक्टिवा होती है एक और, पर वो बंदा नहीं आया, चलो उसको छोड़ते हैं। बाकी हम पे दूसरी एक्टिवा है, और ये एक्टिवा मतलब कौन सी है, ये एक्टिवा 2G और 3G की मतलब कि पहले के मॉडल की है, और ये मॉडल मतलब कौन सा है, 2009 का मॉडल है, पुरानी मॉडल की गाड़ी है। और इस गाड़ी को कम से कम हो गए अभी 10 साल से ऊपर हो गया, और तब भी मतलब कि इस गाड़ी की कंडीशन देखो कितनी तगड़ी है, और मतलब देखो कहीं से देखने से ना लग नहीं रहा कि ये मतलब कि पुरानी गाड़ी होगी, ऐसा लग रहा कि मतलब ये नई गाड़ी होगी, या तो ये 3G या 4G ऐसा लग रहा है देखो लुक में, पर ये वाली गाड़ी नहीं है, ये मतलब कि 2009 की गाड़ी है और काफ़ी पुरानी गाड़ी है। और तो ये रहा वो शख्स जिसकी गाड़ी है ये, तो मतलब कि अभी इस गाड़ी के बाद मतलब कि इस गाड़ी के ऊपर बात करेंगे भाई ने मतलब कि क्या क्या इसमें तिड़म करा हुआ है इतने सालों से, तो अभी वो भी इसके मुँह से ही सुनते हैं, और चलो देखते हैं कि मतलब इस गाड़ी के बारे में क्या क्या भाई बताएगा। गाइस मेरा नाम है नितिन यादव, और मेरे पास है गाड़ी एक्टिवा 2009 मॉडल, और बाकी ये जो था ये नॉर्मल ब्लैक था, इसमें मैंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कराई थी, उससे पहले मेरे घर वालों ने चलाई, अब कुछ टाइम से मैं चला रहा हूँ, 5 या 6 साल से मैं चला रहा हूँ, तो जिसका कलर था नॉर्मल ब्लैक था, बाकी इसमें मैंने रैपिंग कराई है, पूरी रैपिंग कराई है, उधर देख सकते हो इस साइड, इसमें जो है हमने इसका थोड़ा इसका ही कल परसों इसका मॉडिफिकेशन काम कराया था, मतलब हमने थोड़ा साइलेंसर जो थोड़ा लाउड करा दिया इसका, जो था डीबी क्लियर, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा इसका डीबी क्लियर। तो पहले मतलब क्या था, ये एक्टिवा का जो नॉर्मल वेरिएंट है ना, मतलब कि ये पुराना मॉडल है 2009 का, और मतलब कि स्टॉक बोल सकते हैं एक तरह से, पर अभी जैसे कि भाई ने आप इसमें रैप वगैरह करवा रखा ना एक्टिवा में, जैसे मतलब कि जो पुराना मॉडल होता था एक्टिवा का वो ब्लैक और व्हाइट कलर में आता था, पर इसमें भाई ने देखो जब ये भाई के पास आई ना गाड़ी, तो भाई ने थोड़ी उसमें टेपिंग वगैरह करा रखी है, और उसके बाद मतलब कि अभी अपना मतलब कि एग्जॉस्ट में भी कुछ करवाया है, और अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों को एग्जॉस्ट की नोट एग्जॉस्ट नोट सुनाएंगे, पर उससे पहले आप लोग मतलब कि गाड़ी की बात कर लेते हैं 2009 के जो मॉडल है। बात करते हैं इसके माइलेज के बारे में, आप इसके माइलेज के लिए बिल्कुल रो जाओगे, क्योंकि माइलेज जो है 32 का देती है, ठीक है, मतलब बुलेट के बराबर माइलेज देती है, पर इसमें अच्छी बात यह है कि जो इसमें मटेरियल यूज़ होता है आज के टाइम पे, वो मटेरियल आपको नहीं मिलेगा जो इसमें यूज़ होता था उस टाइम पे, काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज़ होता था इसमें, मतलब अभी तक ऐसी कोई डैमेज नहीं आया है, ऐसी कोई गाड़ी नहीं ठुकी है कि इसका जो है पूरा खत्म हो जाए, मतलब जैसे कि गाड़ी में देखी होगी ठुकते साथ ही उसके पार्ट्स कैसे हो जाते हैं, मतलब इतना घटिया मटेरियल यूज़ होता है, और इसमें देखा होगा आपने कितना अच्छा मटेरियल यूज़ होता था पहले के टाइम पे, और जान भी आती थी गाड़ियों में, ये गाड़ी हैवी होगी आपके टाइम पे, पर वो लाइट वेट होगी। सुनिए कि मतलब कि भाई को मतलब कितना भी एक्सपीरियंस हो गया चलाते हुए, और इस गाड़ी को मतलब टोटल 15 साल हो चुके हैं, जैसे कि मतलब कि हमारे पास भी थी है स्प्लेंडर ओल्ड वाली, और जो मतलब कि पापा की थी, पर मतलब कि वो तो बेच दी है, मतलब काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होगा, पर वाली गाड़ी बेच दी है। और भाई ने एक बात और ठीक बोली कि जो मतलब कि पुरानी गाड़ी की जो ताकत रहती थी ना, और एक तो मतलब कि बिल्ड क्वालिटी ठीक है, और एकदम पावर रहती थी जो अंदर की ठीक है, वो आज की गाड़ी में नहीं है, पर जो पुरानी गाड़ी में होती थी ना उसमें पावर इतनी सॉलिड होती थी, इतनी सॉलिड। बाकी ये देखो मतलब कि आप लोगों ने देखो रोज़ आप एंटोर का देखते हो कि मतलब कि जो उसका मीटर है कैसा है, पर ये देखो जो एक्टिवा का मीटर है वो मतलब कि कितना नॉर्मल आता था पहले, मतलब कि यहाँ पे स्पीड दिखता था और जो फ्यूल का है वो नॉर्मल दिखता था बस, बाकी और कोई फीचर नहीं रहते थे। बाकी ये देखो ये उसके इंडिकेटर के हैं, बाकी और कोई फीचर नहीं रहते थे, बाकी आज के टाइम पे काफ़ी तगड़े तगड़े फीचर ला गए, पर जो पुराना वाला फ्रेम था ना वो बढ़िया था। बाकी फिर अभी आप लोगों को हमने बता दिया है कि गाड़ी के मतलब कि बारे में ठीक है, अब मतलब कि थोड़ा बहुत देखते हैं गाड़ी की परफॉर्मेंस के बारे में ठीक है, और जो गाड़ी का मतलब कि एग्जॉस्ट है ये मतलब कि जो एक्टिवा का पुराना है 2009 का, आप सोचो मतलब 2009 और ये चल रहा है 2024, मतलब कितने साल हो गए कैलकुलेट कर लो ठीक है, और मतलब कि पहले का इंजन
की आवाज सुनेंगे, मतलब मान लो कम से कम 15 साल पुराना इंजन है, ठीक है, और 15 साल पुराने इंजन में क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा चाहिए, ये कौन है भाई, इसलिए यहाँ से यार डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब 15 साल पुराना इंजन है ना, तो उसकी भी आवाज़ मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में सुनाने वाला हूँ। चला गया ना, आप लोगों को इसको चला के दिखाते हैं और इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं, मतलब कि इसका एग्जॉस्ट नोट और उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो चलो फिर आवाज़ सुन रहे हो, मतलब 2009 का मॉडल है, पर 2009 के मॉडल में इतनी पावर है। तगड़ी है, ठीक है। और देखो अभी मतलब कि थोड़ा बहुत सीमेंटेड रोड है, पर फिर भी देखो मतलब यहाँ पे इतनी मस्त चल रही है, एकदम मक्खन की तरह, मतलब लग ही नहीं रहा कि पुराना मॉडल होगा और कहीं से मतलब कि कुछ दिक्कत होगी गाड़ी में, एकदम मस्त चल रही है। और अभी इसकी जो मेन चीज है एग्जॉस्ट नोट, वो भी अभी आप लोगों को सुनाते हैं। तो चलो फिर 3 2 1 गो। थोड़ा बहुत इसमें साइलेंसर में भी काम करवाया भाई ने, जिसका एग्जॉस्ट है 2009 का मॉडल एक्टिवा का, मतलब सोचो 3G और 2G से भी पहले का मॉडल है आज हम पे, मतलब सोचो कितना पुराना मॉडल है। और एक तरह से बोल सकते हैं आज के टाइम पे मतलब कि ये मॉडल कहीं नहीं मिलेगा, एंटिक मॉडल एक तरह से आज के टाइम पे, अगर मिलेगा खत्म मिल जाएगा उसका सीन। हाँ पर ये खत्म मिलेगा काफ़ी, अगर होंगे भी ना तो बहुत लिमिटेड होंगे मॉडल जो ऐसी कंडीशन में होंगे, ठीक। अब मतलब इसका एग्जॉस्ट आप लोगों ने सुन लिया कितना तगड़ा है, अभी कितना आवाज़ है, कितनी लाउड आई, ये देखो मतलब जो ये वही वाला कुत्ता है जो उस टाइम बीच में आ गया था वीडियो के, देखो और अभी तक यहीं पे घूम रहा, बिक्स लेब्रा। ये लेब्रा भाई है, लेब्रा लग रहा है सकल से, तो बिक्स लेब्रा है भाई, सकल सकल दिखाई जरा, बिक्स लेब्रा। अबे इतना भी क्लोज अप मत कर, रुक जा थोड़ा दूर आ। हां अबे ये लेब्रा लग रहा है यार, ये वही तो बोल रहा है बिक्स लेब्रा है वो। करेगा तो कुछ करेगा, अबे आगे आने के बदले पीछे क्यों जा रहा है, बैक गियर है क्या इसमें, इसमें क्या बैक गियर है क्या, आगे आने के बदले पीछे जा रहा मैं तो कैमरा बंद कर रहा था, पर इसने कुछ अलग ही चीज कर दी है, देखो ये आगे आने के बदले पीछे जा रहा था, देखो पूरा निशान है पीछे जाने का, पावर तो तगड़ी है ना, पावर है इसकी गाड़ी में, पावर है, ये तो बोल ही ना कुछ। तो बाकी यहाँ से हम निकलते हैं और बाकी अभी आप लोगों को दिखा दिया अपनी जो एक्टिवा थी, एंटॉर्क बोल रहा है, एक्टिवा थी पुराना मॉडल 2009 और ये है सामने 2023 मॉडल। और मतलब कि देखो अगर मैं एक्टिवा और एंटॉर्क को कंपेयर करता ना, तो देखो सबको पता है कि मतलब पावर ना इन दोनों में किस में ज़्यादा है, ठीक है, एंटॉर्क में ज़्यादा है, पर हम बात कर रहे थे पुरानी मॉडल की और पुराना मॉडल कौन से हम पे एक्टिवा, ठीक है। तो ये वाली गाड़ी थी आज जिसमें हम लोगों ने मतलब कि थोड़ा बहुत उसके ग्राफिक देखे, और मतलब कि ग्राफिक ये नॉर्मल ग्राफिक नहीं है, ये मॉडिफाई करा रखे, और मतलब कि इसका एग्जॉस्ट नोट सुना, जो इसका एग्जॉस्ट नोट है ना ये मतलब कि जो कंपनी वाला है जो 2009 का, अब सुनो मतलब कि कितना परफॉर्मेंस है, कितना ताकत है इस वाले एग्जॉस्ट में, तो फिर बताना एग्जॉस्ट नोट कैसा था। तो फिलहाल अब यहाँ से निकलते हैं घर के लिए, और मतलब घर अभी देखते हैं कहाँ जाएंगे, आगे का प्लान क्या रहता है, फिलहाल तो अभी चलते हैं यहाँ से। और बाकी आज दो एक ही फ्रेम में ये दो गाड़ी है, देखो आज जो मतलब कि वीडियो बनानी थी ना वो मतलब कि दो गाड़ी के ऊपर बनानी थी, एक मतलब देखो ये जो आज हम पे मतलब कि एक गाड़ी है एक्टिवा, ठीक है, जो कि 2009 मॉडल था, और एक हम पे दूसरी एक्टिवा भी थी जो कि 3G मॉडल की थी, ठीक है, पर देखो मतलब कि वो बंदा आया नहीं, अब उसके पीछे मैं इतनी लंबी कहानी कुछ बताऊंगा नहीं, छोड़ो वो चला गया मतलब उसने गोली दे दी एक तरह से मान लो, तो फिर एक ही गाड़ी हम पे बची थी, तो फिर इसके बारे में हम लोगों ने आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दिया। बाकी ये बताना कि मतलब कि 2009 और जो 2010 की गाड़ियां हैं वो मतलब कि अभी तक है किसी के पास या नहीं है, या सबने हम नई नई गाड़ियाँ ले ली, हम पे भी थी एक गाड़ी पर हम लोगों ने वो बेच दी क्योंकि जो उसकी कंडीशन थी काफ़ी ख़राब हो गई थी, इस वजह से हम लोगों ने बेच दी वो। बाकी पर देखो पिछले साल ही मतलब पिछले साल ही हम लोगों ने बेची थी स्प्लेंडर, और पर पिछले साल मैंने आप लोगों को उसमें व्लॉग बना के दिखाया था जब हम लोग कहीं स्विमिंग पूल की तरफ गए थे, और मतलब उसमें ऑफ रोड भी करी थी, तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी थी यार, बहुत तगड़ी, पुरानी गाड़ियों की परफॉर्मेंस तो रहती है यार मस्त एकदम। बाकी जो ये वाली चढ़ाई है ना, ये वाली यहाँ की सबसे लंबी चढ़ाई है, इसमें पिकअप टेस्ट हो जाएगा, चढ़ जाएगा आराम से। अगर देखो गाड़ी में पिकअप है ना तो फिर गाड़ी दमदार है, अगर गाड़ी में पिकअप ही नहीं है ना तो गाड़ी चाहे देखो नई हो पुरानी हो फिर वो ख़त्म ही हो जाती है। पर ये है कि मतलब पुरानी गाड़ियों में जो ताकत थी आज के मुकाबले जो गाड़ियाँ हैं ना, मतलब एक तो बिल्ड क्वालिटी और जो पुरानी मतलब कि जो इंजन की वो होती है पावर,
वो थोड़ी बहुत मतलब कि देखो ठीक है, पर ये है कि जो पुरानी गाड़ियाँ थी, पुरानी गाड़ी तो पुरानी गाड़ी, ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं ना, वही चीज़।